अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव साइकोलॉजी है क्या, इसकी डेफिनेशन और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि हम ये जान पाएं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी को बकायदा एक सेपरेट फील्ड के तौर पर क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया और क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। पॉजिटिव साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक एंड अप्लाइड अप्रोच टू अनकवरिंग पीपल स्ट्रेंथ एंड प्रमोटिंग देयर पॉजिटिव फंक्शनिंग। अब पॉजिटिव साइकोलॉजी बेसिकली एक साइंटिफिक अप्रोच है, अप्लाइड अप्रोच है। अप्लाइड अप्रोच में क्या होता है कि आप प्रैक्टिकली एक चीज को करके देखते हैं, आप सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे फोकस नहीं करते हैं बल्कि जो कुछ आपने अंडरस्टैंड किया हुआ होता है उसे प्रैक्टिकली प्रूव भी करने की कोशिश करते हैं। और साइंस तो वैसे भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की बात करती है, फैक्ट को एक्सप्लोर करती है, एविडेंसिस को एक्सप्लोर करती है। तो ये एक ऐसी अप्रोच है कि जिसमें फैक्ट्स और फिगर्स को लेते हुए अप्लाइड वर्क करते हुए एक प्रैक्टिकल वर्क करते हुए कोशिश की जाती है कि लोगों के स्ट्रेंथ को, उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो उनके पॉजिटिव, उनके पर्सनालिटी के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उनको किस तरह अनकवर किया जाए, सरफेस पर लाया जाए, उनको डिस्कवर किया जाए ताकि उनकी पॉजिटिव चीजों को अंडरस्टैंड किया जाए और उन्हीं पर वर्क किया जाए, उन्हीं को प्रमोट किया जाए, उन्हीं को फर्दर उसकी इम्प्रूवमेंट पर काम किया जाए ताकि एक पर्सन जो है उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया जा सके, एक पर्सन जो है वो पॉजिटिवली फंक्शन कर सके। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो अपनी पॉजिटिव जो उनके एस्पेक्ट्स हैं पर्सनालिटी के, उससे वो अनअवेयर होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज हैं, हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ मौजूद है। तो जब तक एक पर्सन को ये पता नहीं चलता कि उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ मौजूद है, वो उतना फंक्शन नहीं कर सकता, वो सोसाइटी में तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो बेसिकली पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो क्या करेगी, वो पर्सन के उन स्ट्रेंथ को, उनके रिसोर्सेस को डिस्कवर करेगी और फिर उनको यूटिलाइज करते हुए पर्सन को काबिल बनाएगी कि वो सोसाइटी में वर्क कर सके, पर्सनल लेवल पर भी प्रॉपर फंक्शन कर सके, सोशल सेटिंग में भी पॉजिटिव फंक्शन कर सके और ऑक्यूपेशनल सेटिंग में भी एक प्रोडक्टिव पर्सन के तौर पर सामने आ सके। It is a scientific study of what goes right in life and what makes life most worth living. अब साइंटिफिक स्टडी है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की बात करती है, तो ये बताती है कि जिंदगी में आपके साथ क्या सही है, सिर्फ ये नहीं देखती कि आपके अंदर क्या खराबियां मौजूद हैं। मतलब एक पर्सन के अंदर एक लाइफ में बहुत से एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी होते हैं, उसके नेगेटिव एक्सपीरियंस भी होते हैं और एक इंसान के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं, स्ट्रेंथ वीकनेसेस दोनों होती। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव साइकोलॉजी वर्क करेगी वो एक पर्सन की लाइफ में क्या चीजें सही हैं अब तक और क्या पॉजिटिव चीजें उसके अंदर मौजूद हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए वो अपनी जिंदगी को जो है वर्कफुल बना सकता है, अपनी लाइफ को वर्कफुल बना सकता है। यूजुअली होता क्या है कि हम अपनी वीकनेसेस को देखते रहते हैं, हम अपनी फेलियर पर हमारा फोकस होता है कि जी हम यहाँ सक्सेसफुल नहीं हुए, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। उससे क्या होता है कि हम खुद ही को डिवैल्यू करते रहते हैं, खुद ही को डिग्रेड करते रहते हैं, दूसरे तो बाद में आपके ऊपर तनकीद करते हैं, दूसरे तो बाद में आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको प्रॉपर आपको एस्टिमेट नहीं करते हैं कि आप किस तरह के एक इंसान है, लेकिन पहले इंसान खुद ही को नेगेटिवली परसीव करना शुरू कर देता है। वो समझता है कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी जिंदगी बस ऐसे ही है, उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे वो दूसरों की तरह जो है वो एक वैल्यूएबल पर्सन के तौर पर वो सामने आ सके, दूसरों की तरह वो भी सक्सेसफुल हो और वो भी उसको भी ये फीलिंग्स हो कि मैं भी वर्कफुल हूँ और मेरे अंदर भी ऐसी क्वालिटीज हैं जो मेरी अहमियत को बढ़ाती है, मेरी वैल्यू को बढ़ाती हैं। तो यहाँ पर फिर पॉजिटिव साइकोलॉजी पर्सन के अंदर उन जो चीजें उसकी ठीक हैं और जो उसके अंदर पॉजिटिव की जो है एस्पेक्ट्स हैं, क्वालिटीज हैं, वो उनको देखेगी और फिर उनको यूटिलाइज करते हुए एक पर्सन को जो है वो उसकी लाइफ की वैल्यू को जो है वो इंक्रीज करने के लिए कोशिश करेगी।
पॉजिटिव साइकोलॉजिकल साइंस एंड प्रैक्टिस आर सिचुएटेड फॉर्टिटिसली फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड वर्च्यू एज वेल एज फॉर हेल्पिंग पीपल टू लिव हैप्पियर एंड मोर प्रोडक्टिव लाइफ। अब पॉजिटिव साइकोलॉजी चूंकि साइंस भी है, प्रैक्टिस भी है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, तो ये दोनों बड़े इत्तफाक से काम करते हैं और ये दोनों बड़ी एक ये जो प्रैक्टिस है बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट जो है वो वर्क करेगा। अब उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है कि एक पर्सन के अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई करना। हम तो पहले आइडेंटिफाई नहीं करते ना, अगर मैं अपने आप को देखूं तो मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, क्वालिटीज होंगी जिसको मैं जब स्ट्रेस एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से मैं गुजर रही होंगी तो मेरा एक जहन उस तरफ जाएगा भी नहीं, मेरा फोकस इस पर होगा ही नहीं कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज मौजूद है। यूजुअली ऐसा ही होता है कि जब हम बुरे हालात से गुजरते हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होते हैं, वहां हम खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एक्चुअल हमारे साथ है क्या मसला, प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और ना ही अपनी क्वालिटीज को, स्ट्रेंथ को, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए हम उसको एक जो टाइमली जो और एप्रोप्रिएट और एक टाइमली एक उसकी यूटिलाइजेशन होती है वो नहीं हो पाती, और जब उसकी यूटिलाइजेशन टाइम पर नहीं होती है तो उससे क्या होता है कि हमारी जो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं वहां भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो यहाँ पर ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या करेगी, बेसिकली वो आइडेंटिफाई करेगी कि ये रिसोर्सेज पर्सन में है, ये इसके क्रिएटिव रिसोर्सेज हैं, ये इसके इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हैं, ये इसकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चीज है, ये इसके मिजाज में एक पॉजिटिव चीज है, ये इसकी नेचर में ये चीज है, और इसको हम अगर प्रॉपर तरीके से यूज करें एक प्रॉपर वे में तो एक पर्सन जो है वो सक्सेसफुल लाइफ में हो सकता है। तो उसको फिर आइडेंटिफाई भी करना, आइडेंटिफाई करने के साथ अंडरस्टैंड भी करना। जैसे अगर सपोज एक पर्सन जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है तो वो ऑप्टिमिज्म जो है वो उसको आइडेंटिफाई तो करेगा एक पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट, लेकिन वो उसको अंडरस्टैंड भी करेगा कि ये ऑप्टिमिज्म इसकी कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो रही है, ये पर्सन इसको किस तरीके से ऑप्टिमिज्म को लेकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है या किन डोमेन्स में इसको ये यूटिलाइज कर रहा है और क्या ये प्रॉपर तरीके से उसको कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है, उसकी लिमिट को भी देखना पड़ेगा और उसकी यूटिलाइजेशन को भी, उसके लेवल को भी देखना पड़ेगा और फिर उसको अंडरस्टैंड करते हुए वो उस पर्सन की हेल्प करेगा। तो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट बेसिकली लोगों को हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं, हेल्प करेंगे ताकि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। अब ये जितनी इंसान के अंदर स्ट्रेंथ होती है, उसके अंदर बहुत सी क्रिएटिविटी होती है, उसके अंदर ऑप्टिमिज्म है, वो होपफुल होता है, वो फॉरगिविंग होता है, इमोशनली जो है वो इंटेलिजेंस जो है वो उसको यूटिलाइज करते हुए लोगों को इस काबिल बनाया जाता है कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजारें, फंक्शन करें। जाहिर है आप खुद सोचें कि जब एक पर्सन जो है वो अपनी क्वालिटीज पर फोकस करेगा और उसको अंडरस्टैंड भी करेगा और उसको यूटिलाइज भी करेगा, उसको प्रॉपर उसका यूज भी करेगा और अपने इमोशंस को मैनेज करेगा, तो जितना वो इमोशनली भी इंटेलिजेंट होता चला जाएगा वो उसकी फंक्शनिंग हर डोमेन में बेहतर होती जाएगी, इम्प्रूव होती जाएगी। और जब आपकी फंक्शनिंग डिफरेंट डोमेन्स में इम्प्रूव होती है, जैसे आपके पर्सनल डोमेन है, आपका फैमिली डोमेन है, आपका वर्किंग डोमेन है, तो आप डिफरेंट डोमेन में जब फंक्शन प्रॉपर करते हैं तो फिर आप खुश रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ की तरफ आप जाते हैं, आपकी एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जाते हैं, आपको खुद के अंदर चेंज भी महसूस होता है और फिर इंसान जब लाइफ में सक्सेसफुल होना शुरू होता है तो उसकी हैप्पीनेस जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब हम अपनी उन क्वालिटीज को, स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको समझते हैं और उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, अपनी खूबियों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम लाइफ में प्रोडक्टिव होते हैं। और प्रोडक्टिव आप कहीं भी हो, चाहे आप घर पर हो, घर से बाहर हो, अगर एक वुमेन है वो हाउसवाइफ भी है तो वो अपने घर के अंदर फैमिली डोमेन में भी प्रोडक्टिव हो सकती है, बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव काम कर सकती है, प्रोडक्टिव काम कर सकती है जिससे वो अपने फैमिली एनवायरमेंट को भी पॉजिटिव कर सकती है और अपनी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकती है। In the most general terms, positive psychology uses psychological theory, research and intervention techniques to understand the positive, the adaptive and the creative and the emotionally fulfilling elements of human behavior. अब अगर इसको generally भी अगर आप देखें तो positive psychology क्या करेगी, वो theories को utilize करेगी। आप देखिए theory के बगैर तो कुछ नहीं है, सबसे पहले तो theory आती है, concepts आते हैं, definition हम पढ़ते हैं, उस concept को understand करने की कोशिश करते हैं, एक theoretical framework आपके पास होता है, फिर इसके साथ हम उसमें रिसर्च को भी इसके साथ जो है वो कंबाइन करते हैं। रिसर्च क्या करती है, रिसर्च बेसिकली आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है। रिसर्च हम करते इसीलिए हैं ताकि हम जो हम कह रहे हैं ना, हम उसके एविडेंसेस को भी सामने लेकर फैक्ट्स को भी हम प्रूफ करें कि हाँ वाकई ये जो कहा जा रहा है ये सच भी है, तो वो रिसर्च एविडेंसेस भी होते हैं। और इसके साथ फिर इंटरवेंशन टेक्निक्स होती हैं कि वाकई ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज जनरेट की जाती हैं, ऐसी इंटरवेंशन होती हैं कि जिनकी हेल्प से हम एक पर्सन को अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, वो थ्योरीज को भी लेगा, रिसर्च भी करेगा और फिर स्ट्रेटजीज जनरेट करेगा, इंटरवेंशन को यूटिलाइज करेगा और उसको लेते हुए एक पर्सन के अंदर जो उसकी पॉजिटिव जो उसके अंदर चीजें हैं, एस्पेक्ट हैं, उनको अंडरस्टैंड करेगा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। फिर अडेप्टिव चीजें हैं, कुछ इंसान वक्त के साथ सिचुएशन के साथ अडेप्ट करता चला जाता है। अडेप्टिव एबिलिटी भी हमारे अंदर होती है कि हम बाज़ोकात एक सिचुएशन में होते हैं, फिर हम दूसरी सिचुएशन में होते हैं, हमने हर तरह की सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करना होता है। हाँ, ये होता है कि हम हर बार हर सिचुएशन में इस तरह एडजस्ट नहीं कर पाते, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि टू ग्रेट एक्सटेंट या मैक्सिमम हम जितना एक सिचुएशन और जिन हालात के साथ हम अडेप्ट कर सकते हैं हम करें। तो वो उन अडेप्टिव एबिलिटीज को भी अंडरस्टैंड करेगा, उनको एक्सप्लोर भी पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट करेगा और अंडरस्टैंड भी करेगा। इसी तरह क्रिएटिविटी होती है हमारे अंदर, क्रिएटिव रिसोर्सेज होते हैं हमारे अंदर, बहुत सारी ऐसी चीजें हम डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट सिचुएशन में हम क्रिएटिव पर्सन के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो फिर इन चीजों को लेते हुए पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट है वो पर्सन की इमोशनल फंक्शनिंग जो है वो उसको भी इम्प्रूव करेगा। और एक इंसान एक ह्यूमन जो बिहेवियर है उसके जो इमोशनल उसके जो है एलिमेंट्स हैं उनको भी वो फोकस करेगा, उनको भी देखेगा। फिर हमारे इमोशंस भी साथ में होते हैं, हमने उन इमोशंस को मैनेज करना होता है। एक पर्सन जो है वो जब किसी सिचुएशन में बिहेव करता है, उसका एक स्पेसिफिक बिहेवियर आपके सामने आता है, तो उसके अंडरलाइन उसके इमोशंस भी वर्क कर रहे होते हैं। कि एक पर्सन जितना पॉजिटिव उसके इमोशंस होंगे, इमोशन की थिंकिंग जितनी पॉजिटिव होगी, इमोशंस पॉजिटिव होंगे, वो उतना ही उसके पॉजिटिवली वो बिहेव करेगा। इस तरह पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो उसका एम्फेसिस किसके ऊपर है, ह्यूमन बिहेवियर पर, कि एक इंसान जो है वो पॉजिटिव पर्सन के तौर पर सामने आए। द एम ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इज टू कैटलाइज अ चेंज इन अ साइकोलॉजी फ्रॉम अ प्री ऑक्यूपेशन विद ओनली रिपेयरिंग द वर्स्ट थिंग्स इन लाइफ टू ऑल्सो बिल्डिंग द बेस्ट क्वालिटीज इन लाइफ। अब पॉजिटिव साइकोलॉजी का एम क्या है कि चेंज लाना है इसने। अब ये क्या होता है, एक हम ऑलरेडी एक परसेप्शन के साथ चल रहे हैं, एक उसके एक पर्सपेक्टिव के साथ चल रहे हैं कि जी हम एक जिंदगी में ये जो चीजें खराब हो गई ना उसको हमने सही करना है, रिपेयर करना है। जो मेडिकल मॉडल का एक पर्पज होता है, जो मेडिकल मॉडल होता है, डिजीज मॉडल होता है, उसका क्या पर्पज होता है, उनका एम्फेसिस किस पर होता है कि जी जो चीज खराब हो गई हमने उसको ठीक करना है। जैसे वो कोई बीमारी है उसका इलाज करेंगे और कोई एक नेगेटिव चीज है उसको सही करने की कोशिश करेंगे, जो चीजें डिटोरेट हो गई हैं उनको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिकली डिजीज मॉडल मेडिकल मॉडल इस पर फोकस करता है। लेकिन यहाँ पर एक शिफ्ट आ रहा है, ठीक है, पैराडाइम शिफ्ट है कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो इस चीज से बाहर आएगी, वो आपको इससे थोड़ा हटके देखेगी, एक पर्सन को दिखाएगी आपको कि भाई ठीक है एक पर्सन है, आपने उसके अंदर ये जो खराबियां हुई उसको आपने ठीक करना ही करना है, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटीज मौजूद हैं उनको भी तो लेके चलना है आपने, उनको भी तो देखना है कि एक पर्सन के अंदर ये एबिलिटीज मौजूद हैं जिसको अब तक उसने देखा ही नहीं, जिसकी जानिब अब तक वो अटेंटिव ही नहीं हो सका है। तो आपने उन बेस्ट क्वालिटीज को बिल्ड करना है, उसको लेकर आगे चलना है। पॉजिटिव साइकोलॉजी इज दस एन अटेम्प्ट टू आवर साइकोलॉजिस्ट टू अडॉप्ट अ मोर ओपन एंड अप्रिशिएटिव पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग ह्यूमन पोटेंशियल्स मोटिव्स एंड कैपेसिटीज। अ पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है, बेसिकली ये कोशिश करती है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उनके अप्रोच थोड़ी डिफरेंट हो, उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो ह्यूमन पोटेंशियल से रिलेटेड, कि सिर्फ आपका ये नहीं है कि आप वर्स्ट पर फोकस कर रहे हैं, आप सिर्फ डिटोरेटेड एस्पेक्ट पर आप फोकस कर रहे हैं, जो एक पर्सन के अंदर तोड़ फोड़ हो गई, जो खराबियां हो गई उसको देख रहे हैं, सिर्फ उसकी मेंटल इलनेस को आप देख रहे हैं, उसकी फिजिकल इलनेस को देख रहे हैं, आप सिर्फ उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि जरा ओपन होके देखें और ऐसा पर्सपेक्टिव जो है वो आप उसको करें कि एक पर्सन की पोटेंशियल सामने आए, उसके उसके क्या मोटिव्स हैं, उसके अंदर कौन सी कैपेसिटीज हैं, कौन सी पोटेंशियल्स हैं, कौन सी सलाहियतें हैं, कौन सी खूबियां हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनको आप लेकर चलेंगे तो एक इंसान जो है वो उसमें एक चेंज आएगा, उसकी पूरी पर्सनालिटी में, उसके अपने अंदर भी चेंज आएगा और उसके सराउंडिंग में भी चेंज आएगा। आप देखें कि एक पर्सन बाज़ोकात उसके एटीट्यूड में चेंज आता है तो उसके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है उसमें भी चेंज आना शुरू हो जाता है, और उससे जो एसोसिएटेड लोग हैं उसमें भी चेंज उनमें भी चेंज आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइकोलॉजी साइकोलॉजिस्ट को ये इस पर वो ज्यादा वो कर रही है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो उनकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। वो ये नहीं कि लोगों को सिर्फ उनकी खराबियों को लेकर चलें बल्कि उनके पोटेंशियल्स को देखें, उनकी खूबियों को देखें, उनकी सलाहियतों को देखें जो ताला ने उनको दे रखी।
Therefore, positive psychology studies what people do right and how they manage to do it. अब इसका मतलब है कि positive psychology जो है वो इस पर focus करती है, उसमें positive psychologist ये जानने की कोशिश करेगा कि लोग क्या सही करते हैं और वो उसको manage कैसे करते हैं, कि हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे positive psychology में कि लोग क्या गलत कर रहे हैं, कि लोगों से क्या गलतियां हो रही हैं, वो कहाँ पर उनका fault कहाँ है और वो क्या चीजें जो है वो खराब कर चुके हैं, बल्कि यहाँ पर ये देखा जाएगा कि लोग क्या सही करते हैं, उनमें कौन सी ऐसी चीजें हैं, क्वालिटीज हैं, कौन से काम ऐसे हैं जो वो सही करते हैं और किस तरीके से उसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं. This includes what they do for themselves, for their families and for their communities. अब इसमें एक positive psychologist ये भी देख सकता है कि एक person जो है वो अपने लिए क्या कुछ बेहतर करता है, अपने लिए क्या चीजें वो सही कर रहा है. जाहिर है एक इंसान कुछ ना कुछ तो ठीक करता ही है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक person जो है वो हर मामले में खराब हो. आप daily life में भी लोगों को observe करके देखें तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनकी ठीक है बहुत सारी चीजों से आप agree नहीं करते होंगे, उनके कुछ attitude या उनके कुछ बिहेवियर्स या उनका कोई एटीट्यूड ऐसा होगा जिससे आप सेटिस्फाइड, जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं होंगे या आपको लगेगा कि नहीं ये शख्स जो है वो यहाँ पर गलत है. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हर डोमेन में गलत हो, हर जगह वो गलत हो. कुछ तो वो अच्छा कर रहा होगा, कुछ तो वो चीजें बेहतर भी कर रहा होगा, या हमें पता नहीं है, हम उस पर्सन को जानते नहीं है, या हम उसकी पॉजिटिव चीजों को हम इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारा सारा फोकस उसकी नेगेटिव चीजों पर होता है. तो यहाँ मुझे पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट एक पर्सन को अटेंड करेगा, उसे देखेगा, समझेगा, तो ये देखेगा कि वो अपने लिए क्या सही कर रहा है, कौन सी चीजें वो ठीक कर रहा है. इसी तरह कुछ लोग अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली के साथ उनके बड़े अच्छे उनके फैमिली के लिए बहुत सेक्रीफाइस भी करते हैं, फैमिली की हेल्प भी करते हैं, फैमिली को बनाने की बड़ी कोशिश करते हैं. फैमिली में आप ये भी देखा करें कि आपके जो इमीडिएट फैमिली होती है वो तो होती ही होती है, इसके अलावा आपके जो बहन भाई होते हैं या आपके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनको भी लेकर आप इसमें जो है वो इस सर्कल में आप लेके आ सकते हैं. तो एक पर्सन जो है वो हो सकता है कि अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ वो बड़ा पॉजिटिव हो, उनकी हेल्प भी करता हो, उनके मामलात को भी हैंडल करता हो. और इसी तरह कम्युनिटीज हैं तो फिर एक पर्सन जो है वो कम्युनिटी में क्या वो कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज क्या हैं, उसके क्या एक पॉजिटिव उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, कम्युनिटी में. तो आप इन चीजों को भी जब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो फिर एक पर्सन की खुद ब खुद उसकी समझ आना शुरू हो जाएगी कि हाँ ये पर्सन जो है इसमें ये क्वालिटीज हैं, ये अच्छी चीजें हैं जो उसको एक डिफरेंट इंसान बना सकती हैं. पॉजिटिव साइकोलॉजी हेल्प्स पीपल डेवलप दोज क्वालिटीज दैट लीड टू ग्रेटर फुलफिलमेंट फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर अदर्स. अ पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो लोगों की हेल्प करती है. किस तरीके से हेल्प करती है कि वो अपनी उन क्वालिटीज में निखार लेके आते हैं. जैसे एक पर्सन के अंदर एक क्वालिटी है लेकिन वो क्वालिटी उस तरह उभर के सामने नहीं आई, आप क्लियर नहीं है, जैसे कुछ चीजें दबी दबी सी रहती हैं. एक पर्सन के अंदर एक एबिलिटी है, क्वालिटी है, लेकिन उसकी वो क्वालिटी दब गई है. वो इसलिए दब गई है कि ना तो उसको किसी ने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, ना उसे अब तक किसी ने प्रॉपर गाइड किया है, ना ही उसे अंडरस्टैंड किया है. उसकी तो सिर्फ वीकनेस ही सब देख रहे हैं, वीकनेस पर ही फोकस किया जा रहा है, इसलिए वो अपने आप को समझ नहीं पाया, अपनी उन क्वालिटीज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा. तो यहाँ जो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट होगा वो हेल्प करेगा कि एक पर्सन जो है वो अपनी क्वालिटीज को उसके अंदर उसको डेवलप भी करे, और अगर वो ऑलरेडी उसके अंदर वो है तो उसके फर्दर उसको इम्प्रूव कैसे कर सकता है. अब इससे क्या होता है कि इससे फिर इंसान जो है वो बहुत हाई लेवल पर भी जाकर और मैक्सिमम जो है वो अपनी उन पोटेंशियल्स को, कैपेबिलिटीज को, अपनी उन क्वालिटीज को यूटिलाइज करता है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी. यानी वो इसकी वो क्वालिटीज जो है वो सिर्फ उसके खुद के लिए नहीं बल्कि उससे एसोसिएटेड लोगों को भी बेनिफिट देंगी और कम्युनिटी को भी बेनिफिट देती है, सोसाइटी को भी बेनिफिट देती हैं. बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी उन पॉजिटिव चीजों को लेकर चलते हैं, अपनी पोटेंशियल्स को, कैपेसिटीज को यूटिलाइज करते हैं फॉर द वेलफेयर और फॉर द सेक ऑफ पीपल, तो वो अपनी सोसाइटी में भी एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करते हैं. Thus, positive psychology can also be defined as the scientific study of optimal human functioning. अब अगर आप positive psychology को further इसको define करने की कोशिश करें, इसकी definition को understand करें, तो basically ये scientific study, हम बार बार scientific study की क्यों बात करें, क्योंकि यहाँ पे theory plus practice है, यानी theory भी है और साथ में practically भी उसको करके देखा जाता है कि एक person को
उसकी पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर रिसर्च भी की जाती है, उनकी यूटिलाइजेशन को भी प्रैक्टिकली देखा जाता है ताकि ये साबित किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि हाँ ये चीजें जो हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो सकती है, पॉसिबल है, क्योंकि साइंटिफिक वर्क ही आपको बताता है। जैसे अगर मेरे पास एक कोई आइडिया है, कोई कॉन्सेप्ट है, तो जब तक मैं उसको प्रैक्टिकली नहीं करूंगी तो मैं कैसे लोगों को कन्विंस करूंगी इस बात पर कि हाँ ये जो है इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वहां पर साइंटिफिक अप्रोच जो है वो बहुत जरूरी होती है, हमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हमें करनी होती है। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या करेगी, वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के जरिए एक ह्यूमन फंक्शनिंग को ऑप्टिमम लेवल तक, मैक्सिमम जितना एक पर्सन जो है वो पॉजिटिव फंक्शन कर सकता है, प्रॉपर फंक्शन कर सकता है वो करे। क्योंकि देखिए हम सब इंसान है तो 100% तो नहीं हम पॉजिटिव फंक्शनिंग कर सकते हैं या हर जगह पर हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऑप्टिमम लेवल तक हम काम करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्सिमम हो, जितनी हम कर सकते हैं, जितनी एक इंसान के अंदर एबिलिटी है, कैपेसिटी है, जितनी एक इंसान के अंदर हिम्मत है, वो अपनी उन क्वालिटीज को यूटिलाइज करते हुए एक बेहतर इंसान के तौर पर सामने आ सके। It aims to discover and promote factors that allow individual communities and societies to thrive and flourish. अब इसका मकसद पॉजिटिव साइकोलॉजी का यही है कि आप पर्सन के अंदर जो उसके पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कवर भी करना है, उनको सरफेस पे लाना है, सामने लाना है, एक बंदे को अवेयर करना है। मकसद ये कि इंसान के अंदर एक इंसाइट डेवलप करनी है कि भाई आपके अंदर ये चीजें हैं और आपके अंदर ये जो प्रोसेस आपके अंदर जो हो रहा है, आपका मेंटल प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है, आपके इमोशंस कैसे वर्क कर रहे हैं। एक पर्सन को जब तक उससे इंसाइट नहीं होती, एक पर्सन खुद से अपनी जात से अवेयर नहीं होता तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता। तो उसको आपने इंसाइट देनी है और फिर उसको प्रमोट करना है उन फैक्टर्स को, ताकि एक इंडिविजुअल कम्युनिटीज और सोसाइटीज जो हैं वो आगे बढ़ सकें, फ्लोरिश कर सकें और जो है वो तरक्की कर सकें। बेसिकली एक पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट का पर्पस क्या है कि उसने एक पर्सन को आगे लेके जाना है। एक पर्सन जो है वो सोसाइटी बनाता है, एक पर्सन जो है फैमिली बनाता है, पर्सन जो है वो कम्युनिटी का हिस्सा होता है। तो जाहिर है एक पर्सन जिस तरीके से काम करता है तो सोसाइटी और कम्युनिटी भी वैसे ही होंगी। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट वर्क करेगा इंडिविजुअल्स पर, तो बेसिकली वो कम्युनिटी पे ही वर्क कर रहा होता है, सोसाइटी पे ही वर्क कर रहा होता है। सोसाइटी कैसे आगे जाएगी, इंडिविजुअल जब सक्सेसफुल होंगे, किसी भी सोसाइटी के अफराद जो हैं, लोग जो हैं, जब वो मेंटली स्ट्रांग होंगे, पॉजिटिव होंगे, वो अपनी क्वालिटीज को, अपने पोटेंशियल्स को यूटिलाइज करेंगे और अपने अपने डोमेन में वो क्रिएटिव होंगे, प्रोडक्टिव होंगे, तो उसका बेनिफिट किसको होगा, सोसाइटी को होगा, कम्युनिटी को होगा, वो कंट्री आगे जाएगा, फ्लोरिश करेगा, तरक्की करेगा, वो कौम तरक्की करेगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली एक आप समझ लें कि एक सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट के लिए काम करती है और उसको एक कंट्री को, एक नेशन को भी आगे लेके जाने में इसका एक बहुत जो है वो एक पाइवोटल रोल है। पॉजिटिव साइकोलॉजी फोकसेस ऑन थ्री एरियाज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस दैट हेल्प टू डिफाइन द स्कोप एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ पॉजिटिव साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव। अब पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली तीन एरियाज पे वर्क करेगी। जो ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है, एक इंसान के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो अपनी लाइफ गुजार रहा है, तो वो थ्री एरियाज पर वो ज्यादा एम्फेसाइज करेगी। इससे क्या होता है, इससे एक तो ये अंडरस्टैंड करने में हमें आसानी होगी पॉजिटिव साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, और दूसरी पर्सपेक्टिव क्या है। बेसिकली जब आप ये देखते हैं कि एक ह्यूमन एक्सपीरियंस या उसके ये डोमेन है कि जहाँ पर एक पर्सन जो है वो किस तरीके से बेहतर वर्क कर सकता है, तभी हमें समझ आएगी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो किस तरह हमारे लिए बेनिफिशियल है और वो बेसिकली कहती क्या है, ये किस चीज पर एम्फेसाइज करती है और क्यों करती है। नंबर वन, एट द सब्जेक्टिव लेवल, पॉजिटिव साइकोलॉजी लुक्स एट पॉजिटिव सब्जेक्टिव स्टेट और पॉजिटिव इमोशन सच एज हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन विद लाइफ, रिलैक्सेशन, लव, इंटीमेसी एंड कंटेंटमेंट। आप सब्जेक्टिव लेवल पर देखें कि जो इंसान के अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होते हैं, उसके इनर सेल्फ क्या है, इंसान क्या फील करता है, क्या सोचता है, किस तरीके से उसके अंदर एक जो है वो प्रोसेस चल रहा है, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है, वो सब्जेक्टिव स्टेट को देखेगी। सब्जेक्टिव स्टेट में उसके पॉजिटिव इमोशंस वगैरह हैं, उन पर फोकस करेगी कि एक इंसान खुश होता है, कितना खुश है, क्यों खुश है, किस तरह खुश है, क्या चीज उसे खुश रखती है, क्या चीज उसे मजा दिलाती है लाइफ में, उसकी लाइफ को जॉयफुल बनाती है, जिंदगी से कितना वो मुतमईन है, रिलैक्स कितना है, उसके अंदर मोहब्बत का जज्बा, उसके अंदर कितनी इंटीमेसी है और वो कितना अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है, उसके अंदर कितनी एक सेटिस्फेक्शन मौजूद है।
पॉजिटिव सब्जेक्टिव स्टेट ऑल्सो कैन इंक्लूड कंस्ट्रक्टिव थॉट्स अबाउट द सेल्फ एंड फ्यूचर सच एज ऑप्टिमिज्म एंड होप। अब जब इसी तरह पॉजिटिव सब्जेक्टिव स्टेट है तो उसमें सिर्फ इमोशंस ही नहीं देखेगा पॉजिटिव साइकोलॉजी, बल्कि फोकस करेगा उसके थॉट्स पे कि कंस्ट्रक्टिव थॉट्स। अब कंस्ट्रक्टिव थॉट्स क्यों, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स भी होती है। अब कंस्ट्रक्टिव थॉट्स जो आपके पॉजिटिव थॉट्स होती हैं जो आपको आगे की तरफ लेके जाती हैं, और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स जो नेगेटिव होती हैं वो आपके सेल्फ से रिलेटेड भी होती हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड भी होती हैं, लोगों से रिलेटेड भी होती हैं। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव सब्जेक्टिव स्टेट्स होगी तो वहां पर देखा जाएगा कि उसके कंस्ट्रक्टिव थॉट्स कौन सी हैं, पॉजिटिव थॉट्स कौन सी हैं रिलेटेड टू सेल्फ एंड अदर्स एंड फ्यूचर, कि अपने से रिलेटेड भी, लोगों से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, कि इंसान किस तरह पॉजिटिव सोचता है, जैसे ऑप्टिमिस्ट कितना है, वो होपफुल कितना है। जैसे कि इंसान है अगर वो बुरे से बुरे हालात में भी होपफुल रहता है कि हाँ ठीक है यह बुरे हालात इस वक्त हैं लेकिन इंशाल्लाह इन हालात से हम निकल आएंगे बाहर, यह मुश्किल वक्त हमारा कट जाएगा और एक दिन आसानी जरूर आएगी, तो ये जो होप होती है इंसान को बड़े बुरे से बुरे हालात में भी जिंदा रखती है। और ऑप्टिमिस्ट जो इंसान पॉजिटिव चीजों को एक्सपेक्ट करता है कि पॉजिटिव चीज होगी, पॉजिटिव होगी या उसमें बेहतरी का कोई रास्ता निकलेगा, तो ये जो सोच होती है ना ये आपको डिप्रेशन से बचाती है या आपको ज़हनी मरीज बनने से बचाती है, स्पेशली उस वक्त जब आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हो। पॉजिटिव सब्जेक्टिव स्टेट्स में ऑल्सो इंक्लूड फीलिंग्स ऑफ एनर्जी, वाइटैलिटी एंड कॉन्फिडेंस और द इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव इमोशंस सच एज लाफ्टर। अब पॉजिटिव सब्जेक्टिव स्टेट्स में तीसरी चीज क्या आ जाएगी, एनर्जी है, कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी क्या फील करते हैं मेरे अंदर है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो परेशान होते हैं तो थका थका सा महसूस करते हैं, और बहुत से लोग आपको ये कंप्लेन करते नजर आएंगे कि नहीं मैं ये भी खा लेती हूँ, मैं ये भी फूड लेती हूँ, ये भी करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है मेरी बॉडी में मुझे मतलब थकावट सी रहती है और मुझे एनर्जी महसूस नहीं होती, फिर भी कमजोरी महसूस होती है। ये बात इंसान की जो मेंटल हेल्थ होती है वो भी डिटरमिन करती है कि एक इंसान की जो बॉडी जो है वो फिजिकली जो है वो कितना स्ट्रांग फील करे, क्योंकि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसका आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत एक जो है वो उसका इम्पैक्ट होता है। इसी तरह इंसान कितना जिंदा दिली के साथ चलता है, उसमें कितना कॉन्फिडेंस है और उसके जो इमोशंस हैं उनके क्या असरात हो रहे हैं, जैसे बाज़ औक़ात इंसान हंसता है खुश होता है इसके भी इम्पैक्ट इंसान के ऊपर आते हैं, उसका कॉन्फिडेंस और उसका आगे बढ़ने की सलाहियत, उसके अंदर जो जिंदा दिली वाली इसकी जो कैफियत है वो भी उसको आगे लेकर जाती है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है एक तो सब्जेक्टिव लेवल पर लोगों के पॉजिटिव इमोशंस पर, उनकी पॉजिटिव फीलिंग्स पर, उनके पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करेगी और देखेगी कि इंसान कितने कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो आगे बढ़ता है और कितनी उसको खुद में एनर्जी महसूस होती है। नंबर टू, एट इंडिविजुअल लेवल द पॉजिटिव साइकोलॉजी फोकसेस ऑन अ स्टडी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअल ट्रेट्स और द मोर एंड्यूरिंग एंड परसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न सीन इन पीपल ओवर टाइम सच एज करेज, परसिस्टेंस, ऑनेस्टी, विजडम। अब इंडिविजुअल लेवल पर अगर इसको देखें तो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो मेन ट्रेट्स पर देखेगी कि इंसान के अंदर कौन सी ऐसी चीजें जो है वो मौजूद हैं, और वो ट्रेट्स होती हैं बेसिकली जनरलाइज्ड भी होती हैं ना, उनकी जनरलाइजेशन जो है बड़ी ज्यादा होती है। इंडिविजुअल लेवल पर पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो फोकस करेगी कि इंडिविजुअल ट्रेट्स क्या है, एक पर्सन के अंदर कौन सी ऐसी उसके जो पैटर्न है जो परसिस्टेंट है, कि जैसे एक चीज कंसिस्टेंसी के साथ चली आ रही, परसिस्टेंट होती है वो, ये नहीं होती कि आज है तो वो चीज कल नहीं है। कुछ ऐसी ट्रेट्स होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं आपकी पर्सनालिटी में, एक स्टाइल होता है आपका, पैटर्न होता है जो परसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंसी के साथ होता है, इंसान एक स्पेसिफिक वे में बिहेव करता है और वो जनरलाइज होती है। मतलब ये नहीं होता कि दो सिचुएशन में इंसान एक डिफरेंट तरीके से होता है, दो सिचुएशन में डिफरेंट हो। जैसे सपोज अगर कोई पर्सन सिंसियर है तो वो हर जगह पर सिंसियर ही होगा, कभी ऐसा हो जाता है कि वो किसी एक जगह पर कहीं थोड़ी देर के लिए सेल्फिश हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के साथ सिंसियर ही होगा, उसकी वो सिंसियरिटी उसके एटीट्यूड में आपको नजर आएगी, पता चलेगा कि हर जगह पर कि लगेगा कि हाँ वाकई ये बंदा जो है हर जगह सबके साथ सिंसियर होता है, क्योंकि परसिस्टेंट पैटर्न होते हैं, ये ट्रेट होती हैं जिनकी हेल्प से जो है वो इंसान जो है वो उसकी जिंदगी गुजरती है। अब यहाँ पर आप लोगों के साथ वक्त के साथ देखें तो उनमें किस तरह की ट्रेट आपको नजर आएंगी, उनमें करेज भी होती है, बहुत सारे लोगों में करेज होती है, हौसला होता है, और आप देखेंगे अगर किसी पर्सन में अगर करेज है तो हर जगह पे आपको उसकी वो करेज नजर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि सिचुएशन में वो बड़ा एक जो है वो डरपोक सा इंसान सामने आ रहा, कहीं वो बहुत बोलता है, कहीं बिल्कुल डरपोक होता है, इस तरह नहीं, उसकी जो ट्रेट होगी आपको लगेगी। इसी तरह परसिस्टेंट होता है एक पर्सन, ऑनेस्ट होता है, विजडम लोगों के अंदर होती है, वो लोग अपनी अकल का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, अपनी इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटीज है उनका इस्तेमाल बड़ी प्रॉपर तरीके से करते हैं। इट कैन
also include the ability to develop aesthetic sensibility or tap into creative potentials and drive to pursue excellence. इसी तरह इसमें आप दूसरों की abilities को भी देख सकते हैं. It can also include the ability to develop aesthetic sensibility or tap into creative potentials and the drive to pursue excellence. इसमें आप ये positive psychologist उन abilities को भी देखेगा कि जो person को इस काबिल बनाती हैं कि वो अपनी creative potential को यूटिलाइज करता है, चीजों को महसूस करता है, अपने इर्द गिर्द जो इसको ब्यूटी नजर आती है, जो एक पॉजिटिव चीजें, जो अच्छी चीजें उसको नजर आती हैं, उनको वो सेंस भी करता है, उनको अंडरस्टैंड भी करता है, उनको महसूस भी करता है, अपने इर्द गिर्द की ब्यूटी को, अपने इर्द गिर्द जो एक अच्छा टेस्ट है उसको वो फील भी करता है, उसको वो देखता भी है, और इसी तरह वो अपने उन क्रिएटिव रिसोर्सेज को, पोटेंशियल्स को, कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज करते हुए बेहतर से बेहतर की तलाश में आगे बढ़ता है और कोशिश करता है कि वो अच्छी से अच्छी चीज को करे. कि जैसे आप कोई काम करते हैं तो उस काम में आप आगे की तरफ जाएंगे ना, आप उसमें अचीवमेंट करेंगे. आज आपकी अचीवमेंट का वो लेवल नहीं है, लेकिन 2 साल के बाद आपकी अचीवमेंट का लेवल जो है वो इंक्रीज होना चाहिए. कुछ चीजें आपकी प्रोफेशन की डिमांड होती हैं, जैसे आज आपको एक काम आता है और कल आपको उससे हाई लेवल का काम आना चाहिए. तो इंसान जिस तरह आप एक जॉब कर रहे होते हैं, आज आप एक पोस्ट पर होते हैं और फिर आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि हमें इससे बेहतर जॉब मिले या इससे हमारी जो है वो बेहतर रैंक या पोजीशन जो है वो आपको मिले. तो ये क्या एक्सलेंसी है? तो ये कब होती है कि जब इंसान अपने उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है. तो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो पर्सन के उन पॉजिटिव ट्रेट्स को भी फाइंड आउट करेगी, डिस्कवर करेगी और उनकी यूटिलाइजेशन को भी देखेगी. इस तरह इंसान अपनी उन पॉजिटिव ट्रेट्स को यूटिलाइज करते हुए, उन पॉजिटिव चीजों को यूटिलाइज करते हुए एक फुली फंक्शनिंग पर्सन बन सकता है. और इसी तरह जो क्रिएटिव रिसोर्सेज इसके अंदर हैं, जो इसके अंदर और चीजों को अपने गिफ्ट की बेहतर से बेहतर चीजों को महसूस करने की जो एबिलिटी है उनको यूटिलाइज करते हुए किस तरह आगे जो है वो बढ़ सकता है, फ्लोरिश कर सकता है. थर्ड लेवल जो है एट द ग्रुप और सोसाइटल लेवल, पॉजिटिव साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट, क्रिएशन, मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन. अब पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो थर्ड एक वो जो डोमेन है, जो एरिया जहां वो वर्क करेगी, उसका स्कोप आपको नजर आएगा, वो ये कि पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट है. कि डेवलप भी होंगे, उनको क्रिएट करने में भी का रोल है और उसको मेंटेन कैसे करेंगे. कि आप सिर्फ ये नहीं है कि एक पर्सन पर वर्क कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं है कि बस आप उसको एक उसके सब्जेक्टिव स्टेट्स को देख रहे हैं, उसके पर्सनल इमोशंस को देख रहे हैं, बल्कि आपने कम्युनिटी डेवलप करनी होती है ना. हम साइकोलॉजिस्ट जो हैं, हमारा एम क्या है कि हमने एक पॉजिटिव इंसान डेवलप करना है, एक पॉजिटिव इंसान बनाना है. वो पॉजिटिव इंसान एक फैमिली बनाएगा, पॉजिटिव कम्युनिटी बनाएगा, इसी तरह आपकी एक पॉजिटिव सोसाइटी सामने आती है. और पॉजिटिव सोसाइटी में पॉजिटिव इंस्टीट्यूशंस का बड़ा रोल होता है. पॉजिटिव साइकोलॉजी एड्रेसेस इश्यूज सच एज डेवलपमेंट ऑफ सिविक वर्चूज, द क्रिएशन ऑफ हेल्दी फैमिलीज एंड द स्टडी ऑफ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट एंड पॉजिटिव कम्युनिटीज. अब जब पॉजिटिव साइकोलॉजी कम्युनिटी लेवल पर वर्क करेगी, सोसाइटल लेवल पर वर्क करेगी, वहां पर उनका क्या है कि जो आपकी माशरे को जिन चीजों की जरूरत है, आपकी सोसाइटी को जिन चीजों की जरूरत है, वो अखलाकियात, वो वर्चूज, वो क्वालिटीज जिनकी सोसाइटी को जरूरत है, उनको कैसे डेवलप किया जाए और किस तरह अच्छी हेल्दी फैमिलीज बनाई जाए. क्योंकि आप देखें, फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन. फैमिली जितनी हेल्दी होगी, जितनी फंक्शनल होगी, उस फैमिली की मेंबर्स जो हैं वो उतने ही फंक्शनल होंगे, हेल्दी होंगे. और हेल्दी फैमिलीज के जो लोग होंगे, जब वो सोसाइटी में जाते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं, तो वहां भी वो फंक्शनल ही होते हैं, डिसफंक्शनल नहीं होते. वरना आप देखें कि आपने भी सोसाइटी में देखे होंगे हर तरह के लोग, फैमिलीज देखी होंगी, कि वो फैमिलीज के जिनका एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है, बेहतर होता है, उन फैमिली से जो बच्चे सोसाइटी में आते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, पॉजिटिव पर्सनालिटी के साथ सामने आते हैं. लेकिन जो डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उनमें आपको तरह तरह के उनमें साइकोलॉजिकल इश्यूज आपको नजर आएंगे. तभी होता है तो वो बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो अपनी एकेडमिक्स में भी इतना आगे नहीं जा सकते, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उनकी वो कोई अचीवमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है. वो एंग्शियस रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, सैड रहते हैं और उनका स्ट्रेस लेवल भी हाई होता है. तो जो हेल्दी फैमिलीज होती हैं वो हेल्दी फैमिली मेंबर्स बनाती हैं. इसीलिए पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो हेल्दी फैमिलीज को इसके क्रिएशन पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज करती है.
इसी तरह वर्क एनवायरनमेंट है, आप जिस जगह काम करते हैं अगर वहाँ का एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं है, वहाँ के लोग पॉजिटिव नहीं है, तो आपको वहाँ पर मजा नहीं आएगा, आप उस तरह प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। तो हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट है, वहाँ के लोग जो होते हैं, वहाँ के एम्प्लॉई, वहाँ के स्टाफ जो है वो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, और वो वाकई उनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स सामने आती हैं कि जो दुनिया को हैरान कर देती हैं। आप देखें कि बहुत सारे इदारे जो हैं वो दुनिया में जो काम कर रहे हैं, जो आपको बड़ी एक डेवलप कंट्रीज में जो नजर आएगा कि वहां पर उन्हें हर फील्ड के उनके पास एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, क्रिएटिव हैं, उनकी अपनी बुक्स, उनका अपनी रिसर्च, हर चीज, यहाँ तक के उनके साइकोलॉजिकल, उनके जो टूल्स हैं, रिसर्च टूल्स हैं, उनको उन्होंने बहुत डेवलप किया है और बहुत सारे इन्वेंशन उन्होंने किए हैं। ये कब होता है? ये उस वक्त होता है कि जब एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट मौजूद हो। इसीलिए पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो इस पर भी बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करती है कि जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसका एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, वहाँ के लोग पॉजिटिव होंगे, वहाँ पे उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज, जो उनकी क्वालिटीज हैं, उनकी पोटेंशियल्स हैं, कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। एम्प्लॉयर जो है जब उन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर चलेगा तो वो पर्सन जो है, वहाँ के जो स्टाफ है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं, वो बड़े क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज के साथ जो है वो सामने आएंगे। इसी तरह पॉजिटिव कम्युनिटीज हैं, तो पॉजिटिव कम्युनिटी है, जाहिर है आप कम्युनिटी में जाते हैं, आप अकेले नहीं रह सकते ना, हम इंसान हैं, तो हम आइसोलेटेड होकर तो नहीं रह सकते, हम आइलैंड पे तो नहीं रहते, हमें लोगों में कम्युनिटी में जाना होता है, हमें लोगों से रिलेट करना है, हमने मिलना है। अगर हमारी कम्युनिटी जितनी पॉजिटिव होगी, वहाँ के लोगों का एटीट्यूड जितना पॉजिटिव होगा, जितनी हेल्दी हमारी कम्युनिटी होगी, उतना ही आप वहाँ पर फिजिकली भी रिलैक्स फील करेंगे और मेंटली भी आप रिलैक्स फील करेंगे। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो सोसाइटल लेवल पर बड़ा हेल्प करती है, गाइड करती है कि आप किस तरीके से एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे इंस्टीट्यूशंस आप डेवलप कर सकते हैं, फैमिलीज डेवलप कर सकते हैं, कम्युनिटीज डेवलप कर सकते हैं, कि जहां पर इंसान जो है वो एक बेहतर इंसान के तौर पर सामने आए और अब फुली फंक्शनिंग पर्सन के तौर पर सामने आए। पॉजिटिव साइकोलॉजी में ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिगेशन दैट लुक एट हाउ इंस्टीट्यूशन कैन वर्क बेटर टू सपोर्ट एंड नर्चर ऑल ऑफ द सिटीजंस दे इंपैक्ट। अ पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट भी करती है और इसे वर्क भी करती है, बल्कि बताती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मकसद ही यही होता है कि ये बताना कि भाई आप किस तरीके से इंस्टीट्यूशन को बेहतर कर सकते हैं, कैसे उसके एनवायरमेंट को पॉजिटिव कर सकते हैं और किस तरीके से बेहतर तरीके से काम कर सकता है, और जिसमें एक इस तरीके से के कम्युनिटी और वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस है वो किस तरीके से वर्क करें कि जो सिटीजन जो होता है ना उस सोसाइटी के, उस कम्युनिटी के, वहाँ के रहने वाले, उन पर बड़ा असर पड़ता है, बड़े असरात होते हैं कि आप किस तरीके से उनको सपोर्ट करेंगे और किस तरीके से उन्हें वो इदारे जो हैं वो नर्चर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है, तो वो सब चीजों का जो है वो इम्पैक्ट जो है वो आता है। Therefore, in many ways, the focus of positive psychology is the scientific study of positive human functioning and flourishing at a number of levels such as biological, personal, relational, institutional, cultural and global. अगर इस तरह आप देखें तो positive psychology का focus क्या है? Basically, human functioning पर work करना, कि एक इंसान की जो functioning है उसको positive बनाना. Therefore, in many ways, the focus of positive psychology is the scientific study of positive human functioning and flourishing at a number of levels such as the biological, personal, इंस्टीट्यूशनल, कल्चरल एंड ग्लोबल। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो कई तरीकों से फोकस क्या करती है ह्यूमन फंक्शनिंग पर, कि एक इंसान जो है वो फंक्शन करे और पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में फंक्शन करे और वो डिफरेंट लेवल पर फ्लोरिश करे, आगे बढ़े, तरक्की करे, और वो बायोलॉजिकल लेवल पर भी, पर्सनल लेवल पर भी। जैसे बायोलॉजिकल उसकी बात करते हैं तो आपके जो फिजिकल हेल्थ है वो भी पॉजिटिव वे में ही हो, और आपकी, क्योंकि आप देखें कि जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं उन पर भी बड़ा इम्पैक्ट आता है आपकी नेगेटिविटी का। अगर आपके अंदर जितनी पॉजिटिविटी होगी तो उतना ही आपकी फिजिकल हेल्थ भी बेहतर होती चली जाएगी और आपका ब्रेन और ज्यादा वर्क करता है। आप देखें कि जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपका ब्रेन और वर्क करता है, लेकिन जब कभी आप परेशान हो तो आप एक काम पर कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा रहे होते हैं, हालांकि आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, उस काम का आपको एक्सपीरियंस भी हो, उसके बावजूद आपका फोकस उस पर नहीं हो पाता है, और फिर की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो जब पॉजिटिव ह्यूमन फंक्शनिंग होती है तो इंसान बायोलॉजिकल लेवल पर भी एक बेहतर
अंदर उसकी फंक्शनिंग होती है, उसकी फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव होती है, पर्सनल लेवल पर भी उसकी होती है कि वो अपने पर्सनल डोमेन में वो किस तरीके से काम कर रहा है, अपने आप अपने काम पर्सनल काम कैसे कर रहा है, जहां जहां किस किस एरिया में उसने किस तरीके से जो है वो खुद को बनवाना है। इसी तरह उसके रिलेशनल है कि वो लोगों से रिलेशन कैसे बना रहा है, एनवायरमेंट में किस तरीके से वो चल रहा है, लोग एडजस्ट कैसे कर रहा है, लोगों से रिलेट कैसे कर रहा है, वहां भी उसकी फंक्शनिंग बेहतर होगी, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी होगी, कि यानी एक कम्युनिटी में और एक सोसाइटी में जिसके इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी प्रॉपर वर्क करते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस किससे चलते हैं, लोगों से ही चलते हैं, इदारे किससे चलते हैं, लोगों पर डिपेंड करते हैं कि जिस तरह के लोग होंगे इदारा भी वैसे ही होगा, जिस डायरेक्शन में लोग जाएंगे काम करेंगे वहां के इसी डायरेक्शन में उसकी एक और इदारा जो है वो जाएगा। तो कल्चरल लेवल पर भी अब आप देखें कि बहुत से पॉजिटिव आपके कल्चर एस्पेक्ट्स होते हैं, आपके कल्चर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है कुछ चीजें नेगेटिव भी होती हैं, लेकिन आपके कल्चर में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी होती हैं, तो वो कल्चर लेवल पर भी इंसान जो है वो फ्लोरिश करता है और ग्लोबली भी करता है, पूरे एक ओवरऑल उसकी जो है वो फंक्शनिंग जो है वो बेहतर आपको नजर आएगी।